सी पार्टिसिपेट आप करते हैं ना तो आपको मजा आएगा पूरा वेबिनार में, क्योंकि अभी इसमें और बहुत दिलचस्प चीजें है ना, वेरी इंट्यूटिव, वेरी अट्रैक्टिव और चीजें आने वाली। ये तो सिर्फ शुरुआत है, दिस इज जस्ट द बिगनिंग, एंड यू आर गोइंग टू टेक टूडे अ लॉट ऑफ थिंग्स, अ लॉट ऑफ थिंग्स। सो नंबर सेवन, इज ऑल अबाउट स्टेबिलिटी, इट इज ऑल अबाउट लक, इट इज ऑल अबाउट लॉन्ग फ्रूटफुल टेबल्स, स्पिरिचुअलिटी, जिसे जुपिटर से स्पिरिचुअलिटी, कहीं ना कहीं जुपिटर से स्पिरिचुअलिटी का अगर हम बात करते हैं, वहीं केतु भी स्पिरिचुअलिटी का कारक है, मोक्ष का कारक है। यू नो केतु इज ऑल अबाउट मोक्ष कारक, इन यू नो इन एस्ट्रोलॉजी वी टॉक अबाउट केतु, देन इट इज ऑल अबाउट मोक्ष कारक। तो स्पिरिचुअलिटी में केतु इज वेरी इंपॉर्टेंट। और राहु केतु की बात करें तो राहु इज हेड, केतु इज ओनली बॉडी, तो इट इज ऑलवेज ऑलमोस्ट लाइक वी कैन से केतु इज हेडलेस। तो ज्यादा सोचना है ना, ज्यादा कुछ दिमाग लगाने वाला काम नहीं, वो एक काम को पकड़ेंगे, अगर रिसर्च हो में हो चले गए तो वो इतना डीप चले जाएंगे उस रिसर्च में, किसी सब्जेक्ट को पकड़ लेंगे वो इतना डीप चले जाएंगे। और मेरी बात करूं, जैसे मैंने कहा थ्री नंबर विजडम, यानी एक बार 96-99 से मैंने जो पढ़ाई शुरू की है, आज 2020 में मैं सिखा भी रहा हूं उतना ही फुल फ्लेज आज भी मैं नए नए सब्जेक्ट्स को एक्सप्लोर कर रहा हूं, सीख रहा हूं आज भी। और उसमें नंबर सात है ना, पूरा जो कॉम्बिनेशन है, जैसे आगे आप सीखेंगे थ्री के साथ सेवन है, तो आज समझ सकते हैं विजडम के साथ रिसर्च। तो ऑकल्ट में ऐसा कोई सब्जेक्ट मैंने बाकी नहीं रखा है स्टडी करने में, और सिर्फ स्टडी ही नहीं, उतना उसमें डीप, उस डीप लेवल तक स्टडी करने में। थ्री एंड सेवन, आई जस्ट कांट रेजिस्ट माई सेल्फ, वॉट टू डू, है ना, ये मेरा क्वेश्चन है आपको, वॉट टू डू थ्री विथ सेवन। तो सेवन नंबर्स की ये क्वालिटीज है, यस दे विल रीच टू द रूट कॉज ऑफ द इश्यूज। तो ऐसे लोग कंसल्टेशन में भी जब जाते हैं वो रूट कॉज निकालते हैं, और वही तो काम है, तभी तो आपकी कंसल्टेशन में आप दो रेमेडी देंगे काम हो जाता है, आपको 50 रेमेडी लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पिन पॉइंटिंग आप कर पाएंगे, है ना। ये डीप रिसर्च पे वो जाते हैं, कितने लोग इस बात को कोरिलेट करेंगे, अगर कहीं ना कहीं आपका बर्थडे में सेवन नंबर है, हाउ मेनी पीपल विल कोरिलेट कि इफ यू एंटर इन टू एनी फील्ड यू विल गो टू द रूट, है ना, और यू आर इन टू स्पिरिचुअलिटी। सर आई एम सेवन एंड इट इज थ्रू, सुरेंद्र को जगदीश जी इज राइटिंग, नितिन जी इज राइटिंग, सुरेंद्र भाटिया जी राइट्स यस, सी ओ आर जगदीश जी राइट स्पिरिचुअल यस, हाउ मेनी कम ऑन राइट डाउन, पार्टिसिपेट करिए, आपको टाइप तो करना है, पार्टिसिपेट करिए, मजा आएगा, है ना, इससे आपका ज्ञान ही बढ़ेगा, आप पार्टिसिपेट करेंगे ना आपका ज्ञान बढ़ेगा, नॉलेज विजडम बढ़ेगा, यस पार्टिसिपेट। माय हस्बैंड हैव नंबर सेवन, तो बस फिर है ना, हीना सुतार जी आप समझ जाइए, है ना, ये उसका गुना नहीं है, वो सात नंबर है, जो उसको है ना, अगर कोई भी फील्ड में लग गए तो वो बस उसमें लग जाएंगे, फिर वो कोई भी फील्ड हो, है ना, आई डोंट वांट टू मेंशन डिफरेंट फील्ड्स, मेरा जैसा बिकॉज थ्री है आगे तो स्टडीज में है, तो फोर सेवन होगा कॉम्बिनेशन, आप समझ सकते हैं वो उस हिसाब से है ना। तो वी विल टॉक अबाउट कॉम्बिनेशन, वी विल टॉक अबाउट कॉम्बिनेशन। सो हाउ मेनी पीपल कोरिलेट, कम ऑन नाउ, we will move to number 8, and a Saturn, number 8 is all about Saturn, it is all about power, it is all about authority, it is all about hard work. To Sunny Saturn agar kahin na kahin activated hai ya aapke chart mein hai ya aapki birthday hai na 8 17 26 है, या आपका पूरा बर्थ डेट का कैलकुलेशन में कहीं ना कहीं 8 आता है, इसका मतलब 8 आपके चार्ट में है, या फिर जैसे हम वैदिक प्रेडिक्टिव न्यूमरोलॉजी और मोबाइल न्यूमरोलॉजी के इस कोर्स में जैसे हम आगे सीखेंगे कभी, है ना, तो महादशा और अंतरदशा, यस, जैसे हम एस्ट्रोलॉजी में कैलकुलेट करते हैं वैसे इस न्यूमरोलॉजी में हम महादशा और अंतरदशा को कैलकुलेट करते हैं, और उसमें अगर 8 नंबर आता है तो आपका उस साल 8 एक्टिवेट हो जाता है, तो वो क्वालिटीज आप में एडिशनल आपके लाइफ में आपको दिखेगी। तो इट इज ऑल अबाउट स्ट्रगल, इट इज ऑल अबाउट हार्ड वर्क, इट इज ऑल अबाउट डेडिकेशन, कमिटमेंट, है ना, स्ट्राइविंग, बट है ना 8 नंबर
ऑलवेज डिलेज बट नेवर डिनाइज। ये हमेशा याद रखना सैटर्न की क्वालिटी है कि वो डिनाई नहीं करता है। दूसरे नंबर के लोग डिनाई कर सकते हैं, सैटर्न कभी डिनाई नहीं करता है, पर डिले जरूर से करता है, बिकॉज वो चाहता है कि आप उसमें बेस्ट बनो। सिंपल एग्जांपल, कितने लोग ज्वेलरी में गोल्ड पहनते हैं, एंड खास करके लेडीज या इवन जेंट्स, इन द फॉर्म ऑफ ब्रेसलेट और यू नो व्हाट यू कैन से अपने रिंग फिंगर में या कोई भी ऐसे, तो कितने लोग पहनते हैं गोल्ड को? आपको मालूम है गोल्ड साइन और वो गोल्ड का शेप कब आता है? कब आता है? राइट डाउन, है ना, एक सिंगल वर्ड में उसको डिस्क्राइब करिए कि वो शाइन और वो शेप कब आता है गोल्ड में? क्या वो आप लेते हैं और अपने आप आ जाता है या कोई उसको लेके आता है? ना, तो व्हाट इज दैट थिंग दैट इज डन टू दैट गोल्ड, यू नो, व्हिच विल टर्न इट इनटू दैट ज्वेलरी? यस, आफ्टर हीटिंग, है ना, हीटिंग, हैमरिंग, आप समझते हैं, इट इज नॉट ओनली हीटिंग, इट इज हैमरिंग बोथ। तो ऐसे ही जो सैटर्न है ये लाइफ में जब आता है तो आपको वो हीटिंग और हैमरिंग देता है ताकि आप सोना बन के बाहर निकलो। ओके, तो कितने लोगों को अगर एस्ट्रोलॉजी मालूम है तो उनका अभी सैटर्न एक्टिवेटेड है इन द फॉर्म ऑफ महादशा, अंतरदशा, या व्हाट यू कैन से साढ़े साथी, या पता नहीं अलग अलग कितने लोगों ने क्या क्या नाम दे दिए, है ना, एंड दे आर समवेयर पासिंग थ्रू दिस हीटिंग एंड हैमरिंग। राइट डाउन डबल एच, जो लोग को ये हीटिंग एंड हैमरिंग, है ना, कहीं वो अगर पास हो रहे, राइट डाउन डबल एच, आई एग्री कंप्लीटली, यस सुरेंद्र भाटिया जी, राइट डाउन डबल एच, यस जगदीश कोटेजा जी, यस हीटिंग एंड हैमरिंग, यस डबल एच, यस डबल एच, सैटर्न एंड एग्री, डबल एच, हीटिंग एंड हैमरिंग इज ऑल अबाउट सैटर्न। सही बात बताऊं, साढ़े साथी आना, है ना, ये अपने आप में आपको वो सोना बनाने वाली बात है, लेकिन आप क्या है, मीडिया, बुक्स और कुछ ऐसे लोगों के कारण आप उस साढ़े सती को इतना खराब मानते हैं और दुनिया भर के अलग अलग उपाय करने निकल जाते हैं और पता नहीं क्या क्या। आपको मालूम है मैं एस्ट्रोलॉजी 2004 से इंडियन एस्ट्रोलॉजी सीख रहा हूँ, 2000 से चाइनीज एस्ट्रोलॉजी सीखा हूँ, और एस्ट्रोलॉजी चाइनीज भी पूरी डिटेल में, यानी आप अगर आप चाइनीज एस्ट्रोलॉजी का मैं चार्ट ओपन करूं, आई कैन रीड, है ना, पूरा डिटेल में। वैसे इंडियन एस्ट्रोलॉजी, उसमें जेमिनी एस्ट्रोलॉजी, लाल किताब एस्ट्रोलॉजी, वैदिक एस्ट्रोलॉजी, केपी एस्ट्रोलॉजी, ये चारों भी इंडियन सिस्टम्स को मैंने पूरे डिटेल में, यानी 6 महीने, 12 महीने, 2 साल, 3 साल, ऐसे पूरे डिटेल में सीखा। उसमें फिर ज्यादा मैंने केपी एस्ट्रोलॉजी पे ध्यान दिया, एंड आई स्टडीड मोर एंड मोर इनटू केपी। So nowadays I teach therefore KP, and KP related astro vastu and all that. But somewhere down the line I know all the other systems, unke special softwares वगैरह, that all things are there down the line, and all things are there. So I say I never open my chart. In last 25 years मैंने अपने chart को 15 बार या 10 बार भी open नहीं किया है। I have passed through my साढ़े सती without any tension, जो आया और उसको समझ के आई हैव डन माय वर्क। अभी जैसे सैटर्न की दशा चालू है, आई एम जस्ट फॉलोइंग इट एंड जस्ट यू नो मूविंग इट एज इट इज गिविंग मी माय वर्क। एंड जो रेमेडी या ऐसा कुछ करना है, रेमेडी तो हमारे पार्ट में, जैसे सुरेंद्र भाटिया जी, प्रतिभा जी और जो भी हमसे सीखे हैं, दे नो तंत्र मंत्र यंत्र वगैरह तो हम रेमेडी में करते नहीं, इट्स ऑल लॉजिकल रेमेडी दैट वी फॉलो, ऑल लॉजिकल रेमेडी, एंड दे विल राइट देन यस कि इट इज ऑल अबाउट लॉजिकल रेमेडी। आपको कोई मंत्र चैंटिंग नहीं करना है, आपको कोई यंत्र पहन के नहीं घूमना है। आई डोंट इवन वेयर एनी टाइप ऑफ जेमस्टोन्स एंड आई डोंट रिकमेंड ऑल्सो, एंड यस ऑल लॉजिकल रेमेडीज। जैसे हमको ये हो रहा है तो उसका एंटी क्या करना है ताकि ये कम हो जाए। जैसे सिंपल, आप अगर आपको हेल्थ के प्रॉब्लम्स है, आप समझो ऑकल्ट साइंस नहीं मालूम है, आप डॉक्टर के पास जाएंगे, दवा लेंगे, नॉर्मली 90% ऑफ द टाइम आप ठीक हो जाते हैं। तो क्या किया आपने, एक चीज हुई उसकी लॉजिकल रेमेडी ली, है ना, जो भी उसका टाइम पीरियड होगा, और काफी हद समय वो ठीक हो जाते। वैसे ही एस्ट्रोलॉजी में भी लॉजिकल रेमेडीज है, तो यू डोंट रिक्वायर ऑल अदर थिंग्स। दैट डजंट मीन कि ये चीज काम नहीं करती है, तो ऐसा भी नहीं है कि ये चीज काम नहीं करती है, ये चीजें काम करती है। मेरे का कहने का मतलब है, जरूरत कहां है पहले वो समझिए, इज इट रियली नेसेसरी,
then okay so let us now move from 8 to 9 yes let us move logical remedies so number 9 mangal ko malum hai aapko kya hai wo sirf commander hai na jo leader ki baat sunta hai leader kaun hai number 1 son hai na jaise number 1 son ye government bhi hai to aaj ke tarikh mein number 1 kaun hai government aur number 9 kaun hai military police to unka kaam kya hai sunna hukum अदा करना वो सोचते नहीं है वो अपना सोच के कुछ भी प्लान करके करते हैं क्या अटैक करते हैं क्या कि भाई प्राइम मिनिस्टर बिजी है वो फॉरेन ट्रिप में है चलो यहां पे किसी ने कुछ किया तो आई विल टेक एक्शन नो दे हैव टू वेट कमांडर जब ऑर्डर देगा तब हम एक्शन लेंगे तो ये लोग कैसे हैं सोचते नहीं है पहले वार करेंगे फिर सोचेंगे तो अगर जिनका नंबर 9 है ना COI I can call it. And अगर किसने आपके गाड़ी को टच कर दिया तो पहले तो आप उनकी बैंड बजाएंगे फिर आप सोचेंगे अरे ये तो मेरा नेबर था अरे ये तो मेरा फ्रेंड था ये तो मेरा तो ऐसे कितने लोगों का होता है ना एग्रेशन एक्शन सिक्योरिटी कॉन्फिडेंस कितने लोग COR नाइन जिनका ज्यादा एक्टिव है वो सोचते हमेशा बाद में है एक्शन हमेशा पहले लेते हैं हु आर यू नो बिना सोचे एक्शन टेकर्स Yes, correlate, come on. Pratap ji says yes. Yes, Pratap Paducheri ji, you are here. Welcome. Surinder Bhatia ji say yes. And Ina Sutar ji say yes. Come on, participate. Yes, Pratibha ji say yes. And Jagdish kehte hai meri wife. Saath mein to nahi baithi hai na sir. Pahle sochna nahi, pahle action le lena. And Belan ho sakta hai. And aapko dikhta ho kahin na kahin. नो सर बाजू में नहीं है देन यू कैन गो एट सर तो यस नंबर 9 इज ऑल अबाउट दैट है ना कि उनके हाथ में बेलन होना या कुछ भी चीज तुरंत नंबर 9 वालों को मिल जाती है नंबर 9 वालों को मिल जाती है ना तुरंत दे आर रेडी कहीं ना कहीं से तुरंत उनको हथियार नहीं बोलूंगा मैं पर एनीथिंग फॉर सेल्फ डिफेंस इमीडिएटली दिस पीपल गेट इट फ्रॉम समवेयर समहाउ ना जैसे भगवान ने उनके लिए रेडी रखा है कहीं पे भी ऑन द रोड है ना ऑन द साइड वे समवेयर एनीवेयर यस ओके सो आर्गुमेंटेटिव बट नेचुरली 9 नंबर अगर आर्गुमेंटेटिव व्यक्ति नहीं होगा तो नंबर 2 थोड़ी हो सकता है नंबर 2 तो क्या होगा एक गुस्सा निकालेगा अलग लेवल का पर नंबर 9 का गुस्सा और नंबर 2 का गुस्सा कितना फर्क होगा है ना हु विल गिव इन वर्ड वन और टू वर्ड्स A difference between number 2's anger and number 9's anger. One or two words who can explain? Write down in the chat. So yes, now here we complete all the 9 planets. Of your 9 planets' ki qualities we have understood. 180 degrees. Surinder Bhatia ji writes. Yes, of course they are total anti. 2 number ka gussa, if emotion wala, feeling wala hoga, and wo gussa aisa gussa hoga. कि अगर 9 नंबर सामने है तो चुप हो जाएंगे वो नहीं उनका गुस्सा टिकेगा पर 9 नंबर का जो गुस्सा है ना वो तो एकदम अपरंपार धम धमाधम यस yes.